सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से एक आगजनी की घटना निकलकर सामने आई है, जहां जिले के लवकुश नगर में भीषण आग लग गई, जिससे आधा दर्जन दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि यह आग अज्ञात कारणों के चलते सुबह लगी है। आग इतनी भीषण थी कि आग ने आधा दर्जन घुमटी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जिसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घुमटी दुकानों में रखा सामान पूरा जलकर खाक हो गया। वहीं आगजनी में लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। साथ ही आग की चपेट में विद्युत लाइन और एक महुआ का पेड़ भी आ गया, जिससे वो भी जलकर खाक हो गया है, जिसको नगर परिषद के अमले के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से गिरा दिया गया है। फिलहाल इस आगजनी की घटना से लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है और आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। बताने के अनुसार 4:30-5 के आसपास की घटना है। अब ये शॉर्ट सर्किट से हुई है या किस कारण से हुई है, इसकी जानकारी है नहीं है। एसडीएम मैडम आई थी, उन्होंने बताया कि हम तहकीकात करवाएंगे। और ये महुआ का पेड़ है, इसलिए गिरवाया जा रहा है जिसमें आग लगी हुई है। पूरे पेड़ में ओला हो गया है वो, तो एसडीएम मैडम ने भी बोला कि इस पेड़ को गिरवा दिया। विद्युत वायर भी नुकसान हुआ है, जल गया है पूरा। विद्युत वायर हुआ, विद्युत विभाग वाले भी आ गए हैं, उन लोगों ने भी। कितनी गुमटियों में नुकसान हुआ है? लगभग 5-6 गुमटियों में। सबसे ज़्यादा किराना वाली गुमटी में ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल स्वादिष्ट बड़ा और मंगोड़ी, शहर का एकमात्र स्थान, तो जरूर पधारें द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिविल लाइन सागर।